हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? सब कुछ ठीक ठाक? तो इस कोरोना काल में और एक अनबॉक्सिंग, और उस अनबॉक्सिंग के साथ ही मैं आपका स्वागत करता हूं डॉन टॉक्स में। तो चलिए, आज मैं बात करता हूं गोप्रो के उस पावर हाउस की, गोप्रो हीरो 8 जो एक्शन कैमरा है, इसका पावर हाउस। पावर हाउस कहने का मतलब ये है कि इसे वो पावर दिया जा रहा है जो गोप्रो में एक्चुअली है नहीं। जैसे इसमें अटैच्ड माइक, अटैच्ड आप कर सकते हो स्क्रीन, अटैच्ड कर सकते हो लाइट, तो एक साथ गोप्रो में आप पूरी व्लॉगिंग पावर को इस्तेमाल कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो अपने इस एक सिंपल गोप्रो को, पूरा एक आप प्रोफेशनल कैमरा बना सकते हो। और उसके लिए मार्केट में लॉन्च किया है गोप्रो ने मीडिया एमोडी, और इसके अंदर क्या है और इसके फीचर्स क्या है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए खोलते हैं इस बॉक्स को और देखते हैं इस बॉक्स के अंदर क्या है। और ये निकाल रहा हूं यस, ये सबसे ऊपर में मेरे पास जो आता है वो है यूज़र मैनुअल, जिसको आप पढ़ सकते हैं, साइड में रखते हैं। यहाँ पे एक बकल दिया गया है, यहाँ पे एक स्क्रू दिया गया है, ठीक है, और बीच में है मीडिया एमओडी। दिस इज कॉल्ड मीडिया एमओडी। अब दोस्तों, इसमें मीडिया एमओडी में क्या है और क्या होता है और क्यों गोप्रो के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, इसको बताना इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले इसमें दो कोल्ड शू दिए गए हैं। कोल्ड शू का मतलब होता है कि अगर आप कोई भी चीज़ इसमें अटकाते हैं तो इसका इम्पैक्ट, यानी दिस इज़ नॉट कनेक्टेड विद द मीडिया मोड, यहाँ से कोई एक्शन नहीं होगा। यही हॉट शू तब बन जाता है जब यहाँ पे कोई एक्शन आप कर सकते हैं इसके द्वारा, यानी कि आप जब इसमें कुछ अटैच करते हैं और बिना वायर के ये रिएक्ट करता है तो ये हॉट शू बन जाता है, जैसे फ्लैश। तो यहाँ पे दो कोल्ड शू मिलते हैं। दोनों कोल्ड शू का बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है। या तो आप इसमें एक लाइट लगा सकते हैं, या आप इसमें एक एक्सटर्नल माइक लगा सकते हैं, या आप एक स्क्रीन लगा सकते हैं, एक एक्सटर्नल माइक लगा सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे जो ये गोल वाली जो चीज़ देख रहे हैं, ये एक डायरेक्शनल शॉटगन माइक है जो आपको काम करता है, जो गोप्रो को लिटिल मोर प्रोफेशनल बनाएगा। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आप एक्सटर्नल माइक का यूज़ कीजिए अगर आप चाहते हैं कि इसका बेस्ट से बेस्ट उपयोग अपने वॉइस को आप अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यूज़ कीजिए एक्सटर्नल माइक को। इस शॉटगन माइक पे भी आप ध्यान मत दीजिए। अगर हम पीछे पलटते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे तीन जैक दिए गए हैं। जो पहला पोर्ट है, एक्चुअली तीन पोर्ट दिए गए हैं। पहला पोर्ट जो है वो 3.5 mm का पोर्ट है जिसमें आप यूज़ कर सकते हैं अपने एक्सटर्नल माइक को। दूसरा जो पोर्ट दिया गया है वो टाइप सी पोर्ट दिया गया है, इसको आप गोप्रो को चार्ज करने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा है HDMI आउटपुट, माइक्रो HDMI आउटपुट दिया गया है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे गोप्रो का ब्रांडिंग किया हुआ है और यहाँ पे एक एक्सटर्नल टच वो बटन दिया गया है जो आपके गोप्रो को स्टार्ट करने में मदद करेगा, और एक ऊपर में एक टच बटन दिया गया है जो गोप्रो को स्टार्ट करने में मदद करेगा। और अंदर के साइड में अगर आप देखेंगे तो अंदर के साइड में यहाँ पे USB-C दिया गया है जो गोप्रो के USB-C जैक में जाकर के अटैच हो जाएगा। तो सिंपल है मीडिया एमओडी का काम। तो हम लोग इसको साइड में रखते हैं और अब इसको अटैच करते हैं गोप्रो से। अटैच करना बहुत आसान है। यहाँ से आप जस्ट गोप्रो की तरह इसको खोलिए, ये देखिए ये खुल गया गोप्रो की तरह। अब आपको इसमें करना क्या है कि आपके जो गोप्रो हीरो 8 में जो यहाँ पे बैटरी वाला जो सेक्शन है उसको आपको ओपन करना है। जैसा कि आपको पता है कि ये डिटैचेबल है, तो इसको आप डिटैच कर सकते हैं। तो ये आप डिटैच कर लीजिए, लेकिन इसको आप सेफली रखिएगा बिकॉज मीडिया मोड वाटरप्रूफ नहीं है, और ये वाटरप्रूफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इसकी केसिंग है, जो इसका रबर, जो पूरा बेस आप देख रहे हैं, ये वाटरप्रूफिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। जब गोप्रो मीडिया मोड के साथ एक्सपोज होता है तो ये वाटरप्रूफ नहीं रह जाता है। अब करते हैं मीडिया मोड को अटैच। तो सिंपली अटैचमेंट बहुत सिंपल है इसका। हम लोग यहाँ से इसको अटैच करेंगे, इसको ऐसे इसमें डालेंगे, इसको डालेंगे और ये हो गया अटैच।
अच्छी अच्छी तरीके से इसको दबा करके अटैच कर देंगे, यहाँ पे इसको लाएंगे और जब क्लिक की आवाज़ आएगी तो इसका मतलब ये GoPro Hero 8 मीडिया मोड में अटैच हो गया। अब देखिए कितना सुंदर लग रहा है, इट इज़ वेरी गुड एंड द केस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, केस बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरा मीडिया MOD हो गया है कनेक्ट और इसमें एक प्रॉब्लम आ रही थी जो मैं आपको आपसे शेयर करना चाहूँगा, और वो ये था कि मीडिया MOD को लगाने से पहले, इसमें जोड़ने से पहले अपने GoPro में, आप अपने GoPro के सॉफ्टवेयर को देख लीजिए कि वो अपडेटेड है या नहीं है, बिकॉज वही सॉफ्टवेयर मीडिया MOD से कंपेटिबिलिटी लाता है। तो अभी मेरे साथ दिक्कत ये हो गई थी कि मैंने मीडिया में MOD कनेक्ट किया लेकिन GoPro का कोई रिस्पॉन्स नहीं था। फाइनली मैंने इंटरनेट पर देखा तो देखा कि इसका अपडेट आया है, देन मैंने इसके ऐप को इंस्टॉल किया अपने मोबाइल पे, और मोबाइल पे ऐप इंस्टॉल करने के बाद जो इंस्ट्रक्शन आए उस इंस्ट्रक्शन को मैंने फॉलो किया, और फॉलो करने के बाद मेरा ये सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, और अपडेट होने के बाद अब MOD इसके साथ मीडिया MOD कंपेटेबल हो चुका है। तो मीडिया MOD कंपेटेबल हो चुका है या मीडिया MOD कनेक्ट है इससे, इसका पता करने के लिए आपके पास एक सिंपल सा ऑप्शन है कि आप इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद आप प्रेफरेंसेस में जाएंगे, प्रेफरेंसेस में जाने के बाद आप यहाँ पे नीचे देखेंगे इनपुट और आउटपुट। जब इनपुट और आउटपुट में देखेंगे तो देखिए ऑडियो इनपुट मीडिया MOD इसमें लिखा हुआ है। अब मैं ऑडियो इसका कैसा है इसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन ये मेरा कनेक्ट हो चुका है मीडिया MOD GoPro के साथ। तो इस छोटे से पावर हाउस की ताकत को आप भी समझ लीजिए। यहाँ पे एक हॉट शू में मैंने ये लगाया है, दूसरे हॉट शू में मैं लाइट लगा सकता हूँ या स्क्रीन लगा सकता हूँ और इसे कनेक्ट कर सकता हूँ HDMI पोर्ट के साथ। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि ये GoPro मेरा पूरी तरीके से पावर हाउस हो चुका है, और इस GoPro के साथ मैं कर सकता हूँ व्लॉगिंग बड़े आसानी से, और आप भी व्लॉगिंग कर सकते हैं। तो GoPro Hero 8 एक तो आपको पता ही है कि स्टेबलाइजेशन के लिए टॉप नॉच कैमरा है और स्टेबलाइजेशन अल्टीमेट है इसकी, तो आप इससे एक कैमरे के साथ आप व्लॉगिंग कर सकते हैं। और जहां तक बात रही प्राइस की, तो MOD का जो प्राइस है वो 6900 है और मैंने इसे 6500 में लिया है, और काफ़ी बढ़िया है। अभी तो ये आउट ऑफ स्टॉक था लेकिन मुझे किसी तरीके से इंतज़ाम करके मिल गया है। तो चलिए तो यहाँ पे अनबॉक्सिंग क्लोज करते हैं। तो अब तक आप टिके रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।